मैंने मेरे जीवन में खुशी का कोई पल नहीं देखा। मुझे सुयोंग कहते हैं। 30 साल का हूं लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं। 30 साल की उम्र और भविष्य क्या है मालूम नहीं। किसके लिए जिंदा हूं मालूम नहीं। क्यों जिंदा हूं पता नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये सब मैं पहले भी बहुत बार देख चुका हूं। लगता है ये सपने तो मेरे हैं पर इन पर कब्जा किसी और का है। अगर ये सब खत्म हो जाए तो लगता है ये जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से जी सकता हूं। कल रात मुझे फिर सपना आया क्या हुआ? दुकान बंद है, तुम जाओ। लेकिन कुछ तो बताओ। तुम्हारी मनहूसियत मुझे भी घेर लेगी। तुम जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए पैसा। जाओ जाओ। अबे अंधा बह रहा है क्या? चल निकल। मैं मेरी बीवी है ना, मेरी पर भड़कती है। ओए पर मैं भी बहुत डीट हूं। बे ओए साले गंदे किसी गटर की औलाद है क्या? छोड़ना यार उसके मुंह मत लग। छोड़ दे जाने दे। अगर इस दुनिया को मेरी परवाह नहीं तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं? साले गंदे लोग चैन से बैठने भी नहीं देते। मार 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 मार
सुनिए, मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? अरे सुनो मिस, हेलो मिस, मुझे यहां क्यों बांधा हुआ है? सुनिए तो, कुछ तो बोलो। अरे क्या कर रही है? रुको रुको रुको, नहीं सब कुछ ठीक है? अभी कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? मेरा नाम सुयोंग है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? ज्यादा चिंता की बात नहीं है, मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा मैडम। ये जो पेशेंट अभी होश में आया, मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन क्यों? वो मेरा पेशेंट नहीं है। देखो, पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ तुम ही एक हो जिसे अच्छी तरह से हिंदी आती है। आज से ये तुम्हारा ही पेशेंट है। आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर स्टैनली पेशेंट का पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। क्या तुम हिंदी बोल लेते हो? मेरा नाम सुयोंग है। क्या? हर सुयोंग। तुम कुछ भी याद नहीं रख पाते?
ये कोई मजाक है क्या? मेरा नाम स्टैनली है। तुम थाईलैंड में रहे हो? मैं तुम्हें एक नए दोस्त से मिलवाऊंगा। तुम उसैनी हो? तुम थाई हो? तुम 2 महीने से कोमा में थे। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें टेबल पर बेहोश पड़े देखा था। तुम कोमा में क्यों गए? इस बात का हमें अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आखिरकार तुम ठीक हो गए और अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें ठीक होकर? ऐसा कैसे? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? नकुन। नकुन। मैं नहीं मानती कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। तुम इतनी जल्दी क्यों जग गए? इसे नीचे करो। पति नहीं हो? नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने पहले ही बताया, मुझे खुद नहीं मालूम मैं यहां कैसे आया और तुम्हारा पति बन गया। तुम्हारा इरादा मुझे मारने का तो नहीं है ना? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, ठीक है? और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे नहीं मारोगी, राइट? Thank you.
हाय, गुड मॉर्निंग। तुम्हें नाश्ता बनाने की आदत नहीं है? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सभी लाइंस बनाकर आओ और अपने पेपर्स तैयार रखो। अभी नेक्स्ट कौन है? आगे आओ। लाओ अपने पेपर्स जल्दी दो मुझे, पीछे और भी लोग खड़े हैं। आओ, नेक्स्ट कौन है? जल्दी आओ। अरे सब जल्दी जल्दी पेपर्स लाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं यही करती रहूं क्या? अरे कहा ना अपने पेपर्स दो जल्दी। अरे हुसैनी, ओ कैसे हो तुम? बताओ कैसे हो, मुझे याद करते थे ना? सच बताओ, तुमने फिर से ना ज्वाइन कर लिया? वो अपनी भाषा भूल जाता है। ओ इसके बारे में जो उड़ती उड़ती खबर सुनी है, मुझे नहीं लगता वो सच है। ऐसा कौन होगा जिसे अपनी भाषा याद नहीं होगी? रुको एक मिनट, मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाता हूँ। हाय हुसैनी, मैं हूँ लेक। लेक, इस नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और ये है तुम्हारा ऑफिस, और इस तरफ तुम्हारे फ्रंट में तुम्हारा डेस्क। मुझे क्या करना होगा? पूछ रहा है मुझे क्या करना है, अब तुम ही बताओ मैं क्या बताऊं? तो आप इसे कह दो ना कि हम यहाँ पे ठप्पे लगाते हैं। तुम्हें ये पेपर लेने हैं और ठप्पा लगाना है। ये तो आसान है। बिल्कुल आसान है, ठप्पा उठाना हा? है और ठप ठप ठप, एकदम सही। नो नो नो, नहीं नहीं, इस तरह ठप्पा नहीं, ठप्पा लगाना है ना? इस तरह करना है, ठप्पा। कोई है? मैं पुनु सैनी। तो क्या अब हम अलग हो जाएंगे? सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंत ऐसे होगा। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? हुसैनी, ये
नकुन, 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 हेलो, हाँ क्या कहा? हेल्प, यहाँ कोई है क्या?
बताओ यहाँ पर कौन है और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? Oh,
था कौन? तुम वहां स्टैंप लगाने गए थे राइट? हाँ? तुम क्या कह रही हो? उसकी हरकतें बिल्कुल हुसैनी जैसी ही हैं। लगता है जैसे वो वापस आ गया है। समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या करूं मैं? कौन, फिलहाल तुम शांत रहो। ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन? कौन? क्या तुम सुन रही हो ना? कौन तुम सुन रही हो ना? तुम्हारे पास स्टैंप लगवाने के लिए सिर्फ मरे लोग ही आते हैं? वो तुम्हें भी दिखाई देते हैं? कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हुसैनी ने मुझे ऐसे लोगों के बारे में काफी जानकारी दी। समझ में नहीं आता ये मुर्दा लोग मेरे पास ही क्यों आते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास भी वैसा ही निशान है जैसा हुसैनी के पास था। समझो तुम उसकी ड्यूटी निभा रहे हो। ये जो भी लोग हैं, इन सबको इसी शहर में मौत आई है। तुम्हें उन सब लोगों पर स्टैंप लगानी होगी जिससे वो दूसरा जन्म ले पाए। दूसरे लफ्जों में तुम उनकी आत्मा को मुक्ति दिला रहे हो। स्टैनली, ये वो कारपेट है, इसके नीचे तहखाना है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, इसके नीचे, इसके इसके नीचे एक स्टैंपिंग मशीन है, जहां एक स्टैंप है जो हूबहू मेरे इस निशान जैसी है। मुझे लगता है यहां काम पूरा होने के बाद मेरी ताकत खत्म हो जाती है। मेरी बात का यकीन मानो। अरे ये तुम क्या बकबक कर रहे हो, ये सब क्या है? अरे ये कारपेट क्यों हटाया? ये हटाने की जरूरत क्या थी? अगर इसे साफ करना है तो टोको बुला लेते हैं। देखो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ दूसरे लोग भी काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। तुम मेरे साथ आओ। मुझे लगता है अब तो तुम्हें समझ आ चुका होगा कि तुम कौन हो। हुसैनी, मेरा नाम हर सुयोंग है। मेरा मशवरा है कि अब तुम इसे ही सच मान लो, क्योंकि वो हमेशा से ही थाईलैंड में रहा।
सैनी नहीं है। नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेगा। ओके, मैं वहां पहुंचता हूं। जो तरीका सोचा है वो बिल्कुल सही है। तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? कैसी मदद? मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में पहुंचाना चाहती हूँ, जहां से तुम आए हो। लेकिन मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मुझसे डरती हो? तुम डरती हो कि कहीं मैं उसे ना बन जाऊं? तुम नहीं समझोगे। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ।
आखिर तुमने मेरे ऊपर ये तंत्र मंत्र क्यों करवाए? क्या तुम मुझे मिटा देना चाहती हो? उसैनी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मैं उसे रोज देखने जाती, उसका पूरा ख्याल रखती। मुझे उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आता है। समय रहते वो संभल जाता, जैसा वो था हमेशा वैसा ही रहता, तो उसे किसी की हत्या नहीं करनी पड़ती। क्या उसने किसी की हत्या की थी? जाने दो, वो सब मैं भुला चुकी। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसे खुशहाल बना दूंगा, मेरा वादा है। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि तुम मेरे हस्बैंड की बॉडी में कैसे प्रवेश कर गए? मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मेरा अंत ताइवान में हुआ था, उसके बाद मैं इस शरीर में आ गया। मैं जानता हूँ कि ऐसी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तुम ही बताओ, दुनिया में कोई इस पर विश्वास करेगा? पर मुझे विश्वास है। वो देख, वो देखने के बाद कुछ याद आ रहा है? हम सब साथ में घूमने गए थे। ये है मेरी राम प्यारी। प्रिटी। अरे कहाँ की स्मार्ट है, बुढ़िया है। दरअसल मैं इस जगह जाना ही नहीं चाहता था। मेरे बॉस ने मुझे बोला मेरी बीवी को इधर ले जाने के लिए, फैमिली हॉलिडे के लिए। मैं तो दुखी हो गया था। मेरी बीवी हर पल मुझ पर नजर रखती थी। जरा सूरत का देखो, जरा देखो तो इन्हें सब याद है। नकुन, चुप हो जाओ लेक। ये हमारी पर्सनल बात है, इसे बताने की क्या जरूरत है? मुझे भी मालूम है, पूरा मुंह थूक से भर दिया। देखो काफी टाइम हो चुका है, मुझे मेरा सामान पैक करना है। ठीक है, तुम ये एल्बम देखो। चलो अब हमें जाना चाहिए। अब बस भी करो, फिर बात करते हैं। मुझे बताओ, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम उसे चाहती हो। देखो इसे, उसैनी का भाई आटापोल, उसकी बीवी, उसका बेटा और बेटी। 3 महीने में उसकी मौत हो गई। पुलिस को उसकी मौत का कारण समझ नहीं आया, क्योंकि ना उसके शरीर पर किसी चोट का निशान था और ना ही जहर दिया गया था। अब उसकी जायदाद के मालिक तुम और निकॉन हो। फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने बताया नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे मानते हो या नहीं, अब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। जितना तुम सोचते हो निकॉन उससे ज्यादा खतरनाक है। ये लो। नमस्कार। नमस्कार। मुझे, मैं जीना नहीं चाहती।
कहां जा रहे हो? अभी अभी तुम ही बोले थे ना, क्या तुम मुझे जानते हो? आप किससे बात कर रहे हैं? ये जो आदमी यहाँ बैठा है, ये तो गूंगा और बहरा है, ये आपकी बात नहीं समझ पाएगा। इस कमरे में क्या है? इसमें पुराना कबाड़ भरा है, आप इसकी चिंता मत करिए। धीरे चलो, मुझे मरना है, मेरी मदद करो, तुम्हारा भला होगा, मैं मरना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? मेरी समझ के बाहर है। चुप हो जाओ। एक मिनट रुको बेटा, मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे इस नर्क से निजात दिलाओ। मत बोलो ऐसा, क्यों बोल रहे हो? मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये हमेशा यूं ही बिलखता रहता है साहब। इन्हें हुआ क्या है? इसे कैंसर है और इलाज के लिए पैसे नहीं है। ये अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता है। इसे लगता है कि अगर ये मर जाएगा तो इसके और इसके परिवार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हे हुसैनी, थैंक यू। इतनी मेहनत से काम करते रहे ना तो जल्दी ही तरक्की कर लोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर मेरे लायक कोई और सेवा है तो बता दीजिए, मैं हाजिर हूँ। तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अलग से कुछ सिखाना शुरू करती हूँ, कैसा रहेगा? जैसे कि वो पर्सनल ट्रेनर होते हैं ना, जो पर्सनल वे में सिखाते हैं, मंजूर है? नहीं, रहने दीजिए। अरे तकल्लुफ मत करो, तुम्हें काम नहीं सीखना क्या? अच्छा ये बताओ, क्या शाम को फिल्म देखने चलते हैं क्या? टिकट मैं खरीदूंगा। कौन सी फिल्म? बकरी बोली मैं। बकरी तुमने तो किसी और को देखा हूं। मैं? ले तुम बहुत ही बेवकूफ हो, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे, जाओ अब तुम किसी और के साथ ही जाओ। सेनी के भाई का है।
ये पेपर मुझे ड्रॉअर में पड़ा हुआ मिला। ये हुसैन के भाई का डेथ सर्टिफिकेट है। इस पर स्टैम्प नहीं लगी है, ये झूठा है। इसे फाड़ क्यों दिया? जानते हो ऐसे सर्टिफिकेट लेकर घूमना अपराध है। उस बेसमेंट में स्टैंपिंग मशीन है, बस झूठे डेथ सर्टिफिकेट पर स्टैम्प लगा दो, उस सर्टिफिकेट पर लिखे नाम वाला इंसान मर जाएगा। ऐसा तुम सोचते हो? मुझे बताओ कि आखिर सच क्या है। कुछ होता तो बता भी देता। स्टैनली, लगता है तुम सब कुछ जानते हो तो बताते क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका क्या मतलब है तुम कुछ नहीं जानते? बताओ मैं कौन हूं और मैं यहां कैसे आया? तुम हुसैनी हो। मैं होता तो 10 लाख रुपए में चैन की जिंदगी जीता। मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूं तो मैं चैन से कैसे जी सकता हूं? तुम जानना चाहती हो वो आत्मा उसके शरीर से कैसे निकलेगी? सियोंग और मैं इस पर पहले ही बात कर चुके हैं, तुम उसे भगाने का रास्ता मत ढूंढो। अगर वो 4 लोगों को मार देता है तो ये आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी। मिलने के लिए बेचैन है। यह कुछ सही नहीं हो रहा, हम घर चलते हैं अपने। जाइए, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो करिए। बात मान जाओगे? देखता हूँ। चलो ना। चुपचाप सुनो, वो मेरी मदद जरूर करेगा। क्या बोल रहे हो आप? मुझे सुनाई दे रहा है, सांप सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? विदाई की आवाज। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताते हुए गलती हुई हो तो माफ कर देना। Ha ha ha!
क्या हो गया? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तुम ही हो वो, तुमने ही मारा है मेरे पति को, तुमने ही जान ली है इनकी। क्यों किया ऐसा? क्यों मारा? सुयोंग, तुमने ऐसा क्यों किया? उस हैनी के बारे में सबको बताने की क्या जरूरत थी? तुमने उसे मौत बांटने वाला बना दिया। क्या ये अच्छा नहीं हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मौत देना ही मेरा काम है। मुझे लगता है जो मरना चाहता है या जो मर चुका है वो ही खुश है। सकते हो।
ये तुम कैसे कह सकते हो कि मरने के बाद इंसान को खुशी मिलती है? क्योंकि मैं भी एक मरा हुआ इंसान हूं। अब बोलो, मरना चाहोगे? उस पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सब लोग खुद अपनी जान नहीं ले सकते। ऐसा लगता है ये काम किसी मौत के सौदागर का है, जिसे मौत बांटने में मजा आता है। वो सब बलि का बकरा बने, हमारे पीछे भी हर पल मौत लगी है। हम दोनों भी इसका शिकार हो सकते हैं कभी भी। जैसे ही वो चार लोगों को मार देगा, उसकी आत्मा शरीर में से निकल जाएगी। जैसे ही वो चार लोगों को मार देगा, उसकी आत्मा शरीर में से निकल जाएगी। वापिस आ गया हूं।
उसैनी। तुम वापस कैसे आ गए? तुम भी तो यहां हो। मेरी बॉडी वापस करो। मेरी बॉडी वापस करो। वापस करो। उसैनी है, वो तुम्हें मार डालेगा। नकुन घर मत जाओ। नकुन रुक जाओ। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो सुनो। उसैनी को मारना होगा। उसैनी को मारना जरूरी है क्योंकि तुमने उन लोगों को मारा है जिनको नहीं मारना चाहिए था। तुमने सबको मार डाला। जब तक तुम उसे नहीं मारोगे तब तक तुम जो हो वो नहीं बन पाओगे। पर मैं उसे मारू कैसे? जैसे औरों को मारा वैसे ही इसे मार दो। रोज ही तो मिलते हैं, फिर याद आने का क्या मतलब? सब मैंने टाइप किया है। सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझे कैसे देख पाते हो? हमारा नसीब एक सा है। और मैं इसे मान चुका हूं।
क्या हुआ? सैनी भी मौत का सौदागर है, उसे मारना आसान नहीं है। ऐसे क्या? तो फिर ठीक है, तुम आओ मेरे साथ जल्दी। इधर आओ स्टैनली, इधर आओ। इसे ट्राई करो। कौन? कहाँ हो तुम? कौन? इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
रुको रुको, ये मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैं हूँ सुयोंग। सुयोंग? हाँ। तो उस सैनी कहाँ है? वो मर चुका है। क्या ये सच है? मैं सच बोल रहा हूं। मैं तुम्हारा सुयोंग। मुझे नहीं मारना चाहते, राइट? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, और उम्मीद है तुम भी मुझे नहीं मारोगे, राइट? सुयोंग, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरे ख्याल से तुम उसेनी से माफी मांगो, उससे पूछो वो माफ करेगा या नहीं। मदद के बिना मैं ये काम नहीं कर सकती थी। हमारे लिए ये फायदेमंद रहा। सुयोंग और उसेनी की इस कहानी से मुझे यह सबक मिला कि हम अपना जितना ज्यादा खुलासा करेंगे, हम उतने ही बड़े खतरे में फंस सकते हैं।